मैच हुआ बहुत ही रोमांचक मोड पर। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल और जीतने के लिए केवल एक रन की जरूरत। लगता है बॉल के साथ साथ लोगों के भी होश उड़ने वाले हैं। और ये गेंदबाज ने गेंद को पूरी ताकत से फेंका बॉल हवा में और ये क्या कैच आउट। अरे ये क्या प्लेयर के नीचे प्लेयर। और ये एम्पायर को डाउट है कि ऊपर वाले प्लेयर का कनेक्शन नीचे वाले प्लेयर के पैरों से होते हुए बाउंड्री तक जा रहा है। एम्पायर कैसे गंदे गंदे सारे कर रहा है तू। ओह नो। और ये एम्पायर ने की रिव्यू की मांग। और ये एम्पायर का फाइनल डिसीजन आउट। और यहाँ दोनों टीमों की बराबरी होते हुए आपको देखने को मिलेगा सुपर ओवर। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विमल बोले तो वाकेश दाने दाने में ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका T20 चैंपियनशिप में। CSK टीम की तरफ से बहुत ही शानदार जोड़ी आती हुई कैप्टन MS धोनी और एमवती रायडू। चल गए रायडू पांच रनिंग पे। आज देख मैं कैसे रनों की बारिश करता हूँ। कैप्टन साहब मैं नहीं जाऊंगा रनिंग पर। मुझे पिछले इनिंग में भी खेलने नहीं मिला। फील्डिंग करते करते पसीने छूट गए। मैं नहीं जाऊंगा रनिंग पर। मैं तो बस बैटिंग ही करूंगा। वरना तुम जाके देख लो, जाओ रन आउट करा दूंगा। हाँ बेटे चल खेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। है बेटे हो गया सपना पूरा। पूरी 6 बॉलों में 6 छक्के मारूंगा। किसे कराऊं ओवर, किसे कराऊं, किसे किसे लाओ मुझे कराने दो इस बार ओवर। फिर देखना मेरी 360 का कमाल। हर बॉल पे विकेट मारूंगा, हर बॉल पर। तेरी 360 डिग्री सिर्फ बैटिंग में चलती है, बॉलिंग में नहीं। तू बैटिंग अच्छी कर लेता है, बॉलिंग किसी और को करने दे। चलने लिए विकेट मार, विकेट मार, विकेट मार। और ये विराट कोहली को बहुत ही अच्छी तरह से उल्लू बनाया एबी डिविलियर्स ने। विराट कोहली छोटी बच्ची हो क्या। 3 बॉल में कर दूंगा 3 विकेट और मैन ऑफ द मैच अपने हाथों में। ओ डिविलियर्स रुक रुक रुक, पहले ट्राई बॉल करा। और ये बहुत ही गुस्से में बॉल कराते हुए। और ये क्या देखिए टीक फूटने के बाद भी रायडू पूरी चौड़ में दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार है। इसी को कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ले और जा ओपनिंग पे, बस पड़वा ली टीक। ओ डिविलियर्स थोड़ा तमीज से बॉल करा ले यार। देखिए समझाओ अपने बॉलर को, ऐसे तो मार देगा एक हाथ को ये। अरे समझ जा भाई। चलो समझ गया भाई साहब, तुम खेलो। और ये डिविलियर्स समझने के बाद फिर से एक बार बॉल कराते हुए। और ये क्या फालतू के 4 रन। और यहाँ पर फील्डर ने पूरी कोशिश की बॉल को रोकने की लेकिन 4 रन जाने से नहीं रोक पाए। एबी डिविलियर्स का माथा गर्म होते हुए। और ये फिर से एक बार पूरी कोशिश में लगता है इस बार विकेट तोड़ ही देंगे। और ये बैट्समैन ने बल्ला मारे और ये क्या। अरे मैया 3 नौ बॉलों में पूरे 14 रन दिए ये डिविलियर्स कर क्या रहे हैं। अगर ऐसे ही बॉलर और मिल जाए तो बैट्समैन को रन मारने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। क्या बॉलिंग करा रहा है यार, ढंग में बॉलिंग करा ले, ढंग में। पूरी टीम की बेइज्जती कराएगा तो हमारी अनुष्का के सामने। देखिए कितनी नाराज बैठी है अनुष्का। ढंग में करा ले, ढंग में। ओहो बॉल तो ऐसे पी रहे हैं जैसे कि कोई सुपर ओवर नहीं टेस्ट मैच चल रहा हो।
देखने में ऐसा लगता है कि राइडू बिक चुके हैं और जबरदस्ती की ओवर एक्टिंग पेल रहे हैं। और राइडू ने आखिरकार बॉल को टच कर ही दिया है, लगता है चौके की आस में खड़े हैं। देखिए राइडू को आउट करा कर कैसे मुस्कुरा रहे हैं धोनी, जैसे कि इन्होंने कोई तोफ मार ली हो। और अगले बैट्समैन मोइन अली बहुत फुर्ती में आते हुए, लगता है इन्हें खेलने की बहुत जल्दी है। और ये डिविलियर्स एक बार फिर, और यहाँ पर धोनी ने अपने जलवे दिखाए, सिक्स। और ये धोनी ने फिर से एक बार बॉल को हवा में लहरा दिया, सिक्स। और ये फिर से सिक्स, अरे। और यहाँ पर बहुत ही शानदार खेले धोनी, जिन्होंने तीन बॉलों में तीन छक्के जड़ दिए। और उनसे भी शानदार खेले डिविलियर्स, जिन्होंने पूरी छह बॉलों में 9 बॉलों में 32 रन दिए। देखते हैं अगली पारी में क्या होता है, तब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर आरसीबी टीम की तरफ से बहुत ही शानदार जोड़ी आती हुई, कैप्टन विराट कोहली और क्रिस गेल, दोनों ही बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों ही बैट्समैन के पैरों में एक एक पैड है, लगता है बार बार हारने की वजह से आरसीबी गरीबी में चल रही है। और यहां पर गेंदबाज बहुत ही हिसाब से गेंद कराते हुए, यहां पर विराट कोहली ने शॉट मारकर खाता खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है शायद 2 ही रन ले पाएंगे। आज विराट कोहली कुछ फॉर्म में, कुछ रन मारेगा आज। गेल भी तो है, हाँ। आज लगता है फील्ड में तूफान आने वाला है। बेंगलोर पे लगा देते हैं, ये लो भाई बैंगलोर पे लगाओ हमारे। रुको कितने लगा रहे हो? 5,000। लो 5,000 भाई मेरे लिए, लग दे 10,000 लग गए। कोहली ने पूरी जान लगाकर बॉल को हवा में उछाल दिया, लेकिन ये क्या कैच आउट। मैं गर गए तुम्हारे पैसे गए। अरे कुछ तो रहम कर लेता विराट कोहली। छोटे अब तो CSK जीत सकती है बस। बैंगलोर के तो गया मैच हाथ से। हाँ तो ये CSK पे लगा देते हैं, 2,500 बचे हैं बस। तेरे पास तो होंगे ना? अरे है कैसे ना, मेरे पास है बहुत, पर 2,500 ही है यार। तेरे पास कहाँ से आए वैसे? अरे वो पड़ोस वाली आंटी की कुतिया भी थी ना। हाँ? बहुत भौंकती थी, रात लग गई मेरे हाथों, साली को बोरी में बंद किया और बेच आया। अच्छे कहाँ से पैसे बन गए, पैसे जीत के उनकी कुतिया उन्हें वापस कर दूंगा और बाकी के पैसों की करेंगे अपन लोग। ये बात हुई ना मेरी जान। एबी डिविलियर्स राइट हैंड बैट्समैन, दुनिया में इनकी 360 बैटिंग की बहुत चर्चे हैं, काफी पॉपुलर प्लेयर हैं, लेकिन देखते हैं आज के इस मैच में इनका क्या प्रदर्शन रहता है। लो भाई CSK लगा दो, दिल खोल गए। और ये डिविलियर्स ने घुमा के शॉट मारा और बॉल बाउंड्री के पार। स्ट्राइक पर क्रिस गेल, देखते हैं अपना क्या प्रदर्शन दिखाते हैं। गेल ने पूरी ताकत से गेंद को मारकर हवा में उड़ा दिया है, लेकिन यहां पर फील्डर की नाकामयाब कोशिश, बॉल बाउंड्री के पार, और यह 4 रन। बेंगलोर बेंगलोर पे लग गए।
गेल ने फिर से एक बार पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन ये क्या कैच आउट। सीएसके टीम ने सुपर ओवर में बेंगलोर के खिलाफ 32 रन मारकर शानदार जीत हासिल की। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैन ऑफ द मैच जाता है, मैन ऑफ द मैच तो अपने गुरुजी को ही जाएगा। एबी डिविलियर्स को, जिन्होंने पूरे मैच में 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। एबी डिविलियर्स प्लीज कम हियर। पूरे मैच में तो 3 विकेट हुए हैं और हमारी टीम का तो केवल एक ही विकेट हुआ है, तो फिर इसने 3 विकेट कैसे ले लिए? इसका मतलब इसने कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कम लग रही है यार। अरे बनियान तो देके जाओ। हेलो गाइस, गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।